पढ़ाई अच्छा से होता है? यस सर। अच्छा से होता है, चलिए ठीक है। चलो कैसे मैम पढ़ने में आप? सब कोई गणित पढ़ रहे हैं, हिंदी तो आपके सामने बच्चे, आप पूछ सकते हैं बच्चों से। सब जवाब भी दे रहे हैं, अच्छे खासे जवाब दे रहे हैं। क्या पढ़ रही हो? द्वार द्वार दीप। पढ़ कर बताओ थोड़ा। द्वार द्वार दीप जल दीप जले गांव गांव बगिया की सांस। तालियां मारो सब। कौन सी क्लास? मिसलेनियस क्लास अभी टिफिन के बाद चलता है, जिसमें तीसरा चौथा और पांचवा का स्टूडेंट होते हैं जी। और इन लोगों को जो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, समूह आधारित शिक्षा हिंदी, जिसमें जो कमजोर बच्चे होते हैं मतलब। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज रोशन व्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ स्कूल, एक ये गांव का स्कूल है जो कि ये कोई आम गांव नहीं है, मतलब विपिन सर का ये गांव है। तो चलिए इस स्कूल के अंदर चलते हैं। तो ये आप स्कूल देख सकते हो, तो यहाँ पे ये रहा गेट। तो गेट के अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ पे देखिए NPS लिखा हुआ है, तो ये से एंट्री करते हैं। जैसे ही एंट्री कर रहा हूँ, मस्त साइड में पेड़ पौधा और हरियाली लगा हुआ है, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। आप लोग स्कूल के अंदर का आप लोग व्यू देख सकते हो, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है स्कूल। साफ सफाई यहाँ पे देखिए, चापाकल है, उस साइड वॉशरूम है, और उधर ये स्कूल का ये क्लासरूम वगैरह है। यहाँ पे ये बेल घंटी वगैरह सब लगा हुआ है। तो स्कूल के अंदर बच्चे लोग अंदर क्लास में बैठे हुए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस स्कूल में आया हुआ हूँ, ये स्कूल है नवसार्जित प्राथमिक विद्यालय दीनदयालपुर। तो इस स्कूल के अंदर चलते हैं, बच्चे लोगों से बात करेंगे और टीचर से भी बात करेंगे, और दिखाएंगे कि विपिन सर का ये जो स्कूल है वो कैसा है, कैसा नहीं है। और ये जो गाइज स्कूल है ना, ये स्कूल गाइज नंबर वन पे आया है, मतलब इस ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल जो है ये नंबर वन पे है गवर्नमेंट का। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बच्चे लोग जो है बैठे हुए हैं एक लाइन से, सीरीज वाइज, पैरेलल वाइज, और सब कोई बैठ कर आराम से मतलब स्टडी वगैरह कर रहे हैं। वहाँ पर अच्छे भाई जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये जो है गाइज कार्यालय है, यहाँ पर देखिए मैं अभी कार्यालय के अंदर आ चुका, और यहाँ पे बच्चे लोग को खेलने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्पोर्ट्स का सामान रखा हुआ है। ये देखिए बास्केटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल, और ये सब सारे A to Z इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं बच्चे के खेलने के लिए, यहाँ पे रिंग सारा रखा हुआ है। और ये देखिए गाइज यहाँ पे कैरम भी रखा हुआ है, मतलब बच्चे लोग को खेलने के लिए कैरम भी रखा हुआ है, और साथ में ये स्टेज पर जो डमरू बजाया जाता है उसके लिए ये है। हालांकि यहाँ पे लाइब्रेरी वाला जितने बुक अवेलेबल्स होते हैं सारे बुक गाइज यहाँ पे जो है अवेलेबल्स हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये बिहार का यहाँ पे नक्शा बना हुआ है, और इस साइड अगर हम आए इस साइड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मस्त सारा पेंटिंग वगैरह मतलब लिखा हुआ है, हर एक चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों लोग के लिए। जब भी फल का खाना है पहले धो कर खाना है, सब कुछ मतलब अच्छा अच्छा जो भी चीज़ हो सकता है यहाँ पे सब चीज़ को यहाँ पे दीवार पे जो है मेंशन किया हुआ है। मैं एक क्लासरूम के अंदर एंट्री कर चुका हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच्चे लोग सब बैठे हुए हैं, और सबको यहाँ पे बच्चे लोग जो है गाइस यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पे सर भी हैं साथ में। तो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी ही देर में। तो बच्चे लोग से पूछते हैं गाइस कि बच्चे लोग जो है वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हो छोटू? बैलगाड़ी। कितने बच्चे लोग हैं और देखते हैं और कौन क्या 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 पढ़ रहे हो भाई? द्वार द्वार दीप हिंदी सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे गाइस जितने बच्चे लोग हैं, जितने स्टूडेंट लोग हैं, सब हिंदी पढ़ रहे हैं, सबका बुक जो है वो हिंदी में है। क्या पढ़ रहे हो छोटू, तुम कौन सा पढ़ रहे हो सब्जेक्ट? टेसु राजा। मतलब क्या गाइज, यहाँ पे एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जितने बच्चे लोग हैं सब अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं। बोल पाते हो क्या पढ़ रहे हो गाइज? ये मतलब शायद छोटा बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कख का खोला हुआ है जो कि शायद भाई छोटू यहाँ पे रीड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच्चे लोग जो हैं हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये विपिन सर का ये गाँव है, स्कूल है, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर वन पर आया हुआ है। तो यहाँ पे सारे छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं यहाँ पे बैठ के एक लाइन से पैरेलल वाइज जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बच्चे लोग जो है क्या पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ रही हो छोटी, कौन सा सब्जेक्ट बताओ? ए अक्षर पहचान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रही हो छोटी तुम? कखाड़ा। कखाड़ा पढ़ रही हो छोटू, क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, सब गाइज यहाँ पे जो है हिंदी में बच्चे लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइन से सब क्लास ही हिंदी का हो रहा है। ये यहाँ पे मतलब उस वाले रो में भी सारे लोग बच्चे लोग जो है हिंदी का पढ़ाई कर रहे थे। देखिए यहाँ पे बच्चे लोग जो है हिंदी का सब खोल कर कहारा याद कर रहे हैं सारे। और कैसा लग रहा है तुम लोग को पढ़ कर? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई अच्छा से होता है? अच्छा से होता है, चलिए ठीक है। ये कौन सा क्लास है, कौन से क्लास में तुम लोग? कौन से क्लास में? पहला दूसरा क्लास का। एक बजे एक साथ पढ़ रहे हो सब कोई? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अन्नू अरे कैसे इस तरह सब्जेक्ट पढ़ रही है? कखाड़ा। कखाड़ा, तुम भी कखाड़ा याद कर रही हो? कौन से क्लास में हो? दूसरा। दूसरे क्लास में हो?
एबीसीडी आता है आपको? एबीसीडी बोल के सुनाइए सर। ए पूरा एक लाइन से बोलते जाओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। खाने के लिए मिलता है, क्या मिलता है? दाल भात। दाल भात, दाल भात, दाल भात। खिचड़ी भी मिलता है यहाँ? सब्जी नहीं मिलता है दाल भात में? मिलता है। चोखा? चोखा हाँ। छुट्टी कितना बजे से होगा? तीन बजे से, तीन साढ़े तीन बजे होगा। तो छुट्टी टाइम खा कर निकलना है यहाँ से। खाने का जो टाइमिंग है कितने बजे से छुट्टी? साढ़े एक बजे। साढ़े एक बजे। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ की जो टीचर हैं उनसे बात करते हैं, मैम से। मैम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी मैम, आप यहाँ की मतलब कि किस चीज़ की टीचर हैं? यहाँ पे सभी विषय, यहाँ 1-5 है तो सभी विषय का। अच्छा, 1-5 आप ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाती हैं? हाँ। अच्छा, तो बच्चे लोग सब कैसे हैं? जैसे पर्सनल मैं यहाँ 1-2 का मैंने टीचर हूँ, नामित जी। 1-2 का नामित टीचर है यहाँ पे। टोटल कितने टीचर्स हैं मैम स्कूल में? तीन टीचर्स हैं। और तीनों टीचर्स ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बच्चे लोग को? और कितने क्लासरूम है मैम यहाँ पे टोटल? ऐसे कमरा तो यहाँ पे तीन है और एक ऑफिस है, चार है टोटल। मतलब क्लास अगर क्लास देखा तीन जाए तीन है। क्लास तीन है, एक से तीन तक? जैसे क्लास माने रूम। अच्छा, रूम रूम तीन, हाँ, तीन है। और तक टोटल है। क्लास कितने हैं? फाइव तक है, पाँच तक है। से फाइव क्लास तक है। चलो, कैसे मैम पढ़ने में यहाँ पे? सब कोई गणित पढ़ रहे हैं, हिंदी तो आपके सामने बच्चे, आप पूछ सकते हैं बच्चों से, सब जवाब भी दे रहे हैं अच्छे खासे जवाब। छोटू और छोटी मैम मारते भी हैं? मारते हैं, बदमाशी करते हो तो कैसे समझाते हैं आप लोग को? कैसे डांट के या अच्छी प्यार से बोलो? कैसे प्यार से? चलो अच्छी बात है। तो मैम बच्चे लोग को मारती है कि नहीं? चलो नहीं समझाते हैं, होमवर्क वगैरह लेकर के आते हैं? नहीं मारते नहीं है, प्यार से समझाते हैं उसको। छोटा बच्चा है, मारेंगे तो डर जाएगा ये लोग। और डेली इन लोगों को होमवर्क वगैरह सब देती होंगी? हाँ, होमवर्क मिलता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट मैम पढ़ाती हैं? तीन विषय इसमें है। सब कोई आज हिंदी ही पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी जो टिफिन के बाद नई लोग को जो है व्यंजन जो है दूसरा का व्यंजन का पहचान और पहला वर्ग है उसको स्वर का पहचान करना है। चलिए, और मैं क्लासरूम के अंदर आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चे लोग जो है सारे बैठे हुए हैं और सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं। और इस वाले क्लासरूम के भी अंदर सारे बच्चे लोग जो है वो हिंदी का ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सर भी है। सर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ ऐसे तो उर्दू टीचर हूँ लेकिन ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, 1-5 क्लास तक टोटल। इस क्लासरूम के अंदर कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पे? इसमें मिसलेनियस क्लास अभी टिफिन के बाद चलता है, जिसमें तीसरा, चौथा और पाँचवा का स्टूडेंट होते हैं जी। और इन लोगों को जो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, समूह आधारित शिक्षा हिंदी, जिसमें जो कमज़ोर बच्चे होते हैं मतलब रीडिंग करने में, उसके लिए विशेष, मतलब एक तरह से समझिए कि ये उपचारिकता क्लास है जी। हाँ, इसमें जो कमज़ोर बच्चों को स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि उसको कैसे धारा प्रवाह हिंदी बोलने पढ़ने आ जाए, पढ़ने आ जाए। जी, सारे बच्चे लोग जो है यहाँ पे हिंदी में जो है अलग अलग चैप्टर को रीड कर रहे हैं? नहीं, एक ही चैप्टर, चूँकि समूह आधारित शिक्षण होता है तो एक ही चैप्टर को ही मतलब रीड किया जाता है समूह में, जो एक दूसरे से उसको मदद मिल सके। और सर बच्चे लोग कैसे यहाँ पे पढ़ने में? वो तो आप खुद देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका जो पीरियड होता है वो कितने बजे से होता है टाइमिंग? 12:40 से होती है। 12:40 से लंच होती है, 1:30 बजे तक रहती है। यहाँ पढ़ रही हो? खड़ा हो के बताओ ना, क्या पढ़ रही हो? द्वार द्वार दीप। पढ़ कर बताओ थोड़ा। द्वार द्वार दीप जल दीप जले, गांव गांव बगिया की सांच, द्वारे पर आंगन में धूम मची है ठाँच, और गाँव ढोलक पर नीमतल, दीप जले द्वार द्वार दीप जल, नन्हे से दीपिए नेह के उजारे, अमावस के चंदा है राह के चारे, रात के समुद्र में तारों की नाचल, दीप जले द्वार द्वार दीप जल, दानव की हार का मानव की जीत का दीपों का पर्व। बहुत अच्छी छोटी, बहुत अच्छा पढ़ रही हो। कौन सा? तालियां तालियां मारो सब। कौन सी क्लास में हो छोटी? थ्री में हो। द्वार द्वार दीप चले गांव गांव बगिया की
छाव छाव द्वारे पर आंगन में धूम मची ठाव ठाव आओ रे गाओ रे ढोलक पर नीम तले दीप चले द्वार द्वार दीप चले। चलिए सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बच्चे लोग जो है काफ़ी अच्छा रीड कर रहे हैं। चलिए और यहाँ पे थोड़े लड़के लोग से बात करते हैं, जो थोड़ा पढ़ कर सुना छोटू जो पढ़ रहे हो। दीप जले द्वार द्वार दीप जले गाँव गाँव बगिया की छाव छाव द्वारे पर आंगन में धूम मची ठाव ठाव आओ रे गाओ रे ढोलक पर दीप जले द्वार द्वार दीप जले नन्हे से दीपिए नेह के उजारे अमावस की चंदा है राह के सहारे रात के समुद्र में तारों की नाव चले दीप जले द्वार द्वार दीप जले दानव की हार का मानव की जीत का दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का भेदभाव भूलो रे आपस में मिलो गले दीप जले द्वार द्वार दीप जले। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो सर। आगे भी पढ़ा सकते हैं, ये पढ़ो छोटू। राष्ट्रीय आंदोलन के समय सभी स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू के घर आनंद भवन में गुप्त रूप से मिलते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो, इसलिए पुलिस नेताओं के घरों पर नज़र रखती थी। एक दिन की बात है, बहुत से राष्ट्रीय नेता पुलिस की आंखों में धूल झोंक आनंद भवन में इकट्ठा हो गए। कई महत्वपूर्ण बातों पर फैसले करने थे। इंदिरा के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि इंदिरा स्कूल जाने की बजाय मीटिंग के कमरे के आसपास मंडरा रही है गुस्से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे लोग जो है काफी अच्छा मतलब रीड कर तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे लोग जो है काफ़ी अच्छा रीड कर रहे हैं और सब कोई पढ़ने में मतलब काफ़ी अच्छा है। मतलब कि मैं किन्हीं से भी रेंडमली ऐसे ही मैं सवाल किया और सब अच्छे जवाब दे रहे हैं। मतलब कि जो लोग यहाँ पे न्यूज़ ऐसा फैलाते हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे लोग का पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है, बच्चे लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ढंग नहीं है उन लोगों का पढ़ने का, बट यहाँ पे मुझे आकर ऐसा कुछ नहीं लगा। और ये डिस्ट्रिक्ट का नंबर वन ही स्कूल आप लोग कह सकते हो, नंबर वन पे आया भी है और यहाँ पे सारे बच्चे लोग मतलब गाइस अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बिहार के सरकारी स्कूल को लोग जो है ऐसे बदनाम ना करें, काफ़ी बेहतरीन है। और कुछ लोग हैं जो व्यूज़ के चक्कर में यूट्यूब पे बदनाम करते फिरते हैं बिहार के सरकारी स्कूल को। तो चलिए ठीक है, और गाइज बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना देना, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।